वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, दोस्तों आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। आज का दोस्तों वीडियो में कोई ब्लॉग नहीं है, कोई टूर ट्रेवल का कोई सीन आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों आज का वीडियो है, मैं इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो धांधली हो रही है दोस्तों, खासकर छोटे बच्चों के। मैं आपको बोकारो जिला का रहने वाला हूं, ठीक है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि छोटे छोटे बच्चों के बुक्स, आपका जूते, ड्रेस और पेंसिल, कॉपी कलम से लेकर हर चीज में दोस्तों धांधली है। दोस्तों इतने प्रधानमंत्री बोलते हैं पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ो 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 आगे बढ़ो, यही बोलते हैं। लेकिन एक आजकल के समय में जब इतनी महंगाई हर चीज हर जगह का दोस्तों यही हाल है। अब मैं खैर अपने स्टेट की जो आप बीती मैं बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही मजबूर होकर ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो शिक्षा मंत्री है, इसको देखे, समाज का ये आईना देखे कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है हर जगह। इवन बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के जो नर्सरी प्रेप में पढ़ते हैं बच्चे, वो लोग के। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारा कुछ आपको दिखा दूंगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना दोस्तों, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपको सबसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैंने अपने बच्चे के लिए जो अभी नर्सरी में है, अभी एडमिशन कराया, ठीक है, एक ऐसा स्कूल, छोटा सा स्कूल है बच्चों का जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन वहां एडमिशन फी मुझे देना पड़ा, साथ में फी भी एक महीना का है, वे एडवांस। दोस्तों मैं भी पढ़ाता हूं बच्चों को, लेकिन मैं किसी से एक रुपये एडवांस कभी नहीं लिया, जो महीने का फी है न्यूनतम फी में पढ़ाता हूं दोस्तों बोकारो में, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट भी हुआ है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं सारा प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि जो बुक हम लोग लेते हैं बच्चों का उसमें कितनी बड़ी धांधली है, उसका MRP कितना है और कितना में, मतलब ओरिजिनल दुकान वाले जो है, हम लोग दुकान वाले सबसे ज्यादा क्या बोलूं, बीच में सबसे ज्यादा मुनाफा वही कमाते हैं दुकान वाले, ठीक है। तो इस वीडियो में आप देख लेना और इस वीडियो में आप लोगों को क्या बोल, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी बड़ी धांधली है और कितने परसेंटेज दुकान वाले हम लोग से वसूलते हैं, और आप लोग को बिल भी नहीं देगा। आप देखो दुकान में आप खरीदोगे बुक, आपको बिल भी नहीं देगा, बिल भी देगा तो कच्चा बिल देगा दोस्तों, GST बिल नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बुक बच्चों के लिए खासकर खरीदो तो पक्का बिल उसमें GST लिखा लो वो खरीदो, ताकि उससे क्या होगा कि उसका जो दुकान वाला जो जिस प्राइस में आप बेचे हैं, ठीक है, तो वो उसको GST बिल में उसको इंक्लूड हो जाए और उसको वो देना पड़े GST, ठीक है। तो अब मैं प्रूफ कर दूंगा इस वीडियो में दोस्तों, क्या है कि मैंने डायरेक्ट पब्लिशर से बात किया। दोस्तों मैं आपको कुछ बुक्स दिखाऊंगा इस वीडियो में जो मैंने दुकान से परचेज किया अभी कुछ दिन पहले का ही बात है, और वो दिखाऊंगा। वो मैं घर लाया दोस्तों, 660 रुपया का बुक था, मात्र 10 रुपया हमको छोड़ा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे डाउट लगा कि 20 पन्ना 25 पन्ना का बुक 120 170 180 रुपया मिल रहा है, क्या ही मतलब है छोटे छोटे बच्चों का बुक। और जब मैं पब्लिशर से कॉन्टेक्ट किया जानने के लिए किया कितना मार्जिन है, तो दोस्तों ये क्या बोलो आप लोग को, मतलब जान के अचंभा होगा दोस्तों, कितना परसेंट, 40-50% दुकान वाले लेते हैं। मतलब 100 रुपया का बुक है तो दुकान वालों को 50 रुपया पड़ता है, हम लोग को 100 रुपया में ही मिलता है, MRP में मिलता है, मात्र 1-2 रुपया हर बुक में छोड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। और ये मैं सेक्टर 9 का बुक जो खरीदा हूँ, सेक्टर 9 में दुकान है, जिन दुकान का नाम तो मैं लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो अच्छा चीज नहीं है कि आप उसका नाम लो, लेकिन वो बहुत ही प्रचलित दुकान है और बहुत पुराना दुकान है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ बुक्स पहले दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये बुक देखो, पिक्चर डिक्शनरी, छोटे बच्चों को बुक है, और इसका MRP देखो दोस्तों कितना है, 155 रुपया, ठीक है। अब इसे पन्ना गिन लेते कितना पन्ने हैं दोस्तों, देखो यहां पर मात्र 48 पन्ना है, मतलब अगर हिसाब से जोड़ा जाए, ठीक है, तो 48 मतलब एक पन्ना का लगभग आपका 3 रुपया कॉस्ट, सोचिए एक पन्ना का लगभग 3 रुपया, 155 हो गया दोस्तों,
अब दूसरा बुक दिखाता हूं आपको दोस्तों, ये बुक देखो 169 आप लोग देख पा रहे हो, देखो यहां पर 169 इसका एमआरपी है। ठीक है, अब इसे पेज देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां देखो पेज कितना है, तो 64 आप लोग अगर देख पा रहे हो, देखियो इसमें दोस्तों टोटल 64 पेजेस है। ठीक है, अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो लगभग 2 रुपया 2.5 रुपया से 3 रुपया के बीच में एक पेज का कॉस्ट पड़ रहा है, एक पेज का। दोस्तों और एक दिखाता हूं, ये देखो ये कितना है 135 रुपया। ठीक है, और इसमें कितने पन्ने, थोड़ा ज्यादा पन्ने लग रहा है मुझे 80 दोस्तों, तो लगभग 1.5 रुपया से ज्यादा, 1.70 रुपया 80 पैसा करीब एक पन्ना का। ठीक है, ये बुक देखो दोस्तों एमआरपी कितना है, आप लोग देख पा रहे हो 125 रुपया एमआरपी है। इसमें पन्ने देखते हैं दोस्तों कितना है, देखो यार दोस्तों 76 पन्ने आप लोग देख पा रहे हो तो देख लो। और इसके अलावा दोस्तों दो बुक और भी है, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है, 180 का वो एमआरपी है मुझे याद है, और एक का है आपका 137 या कुछ एमआरपी है, उसमें भी दोस्तों बहुत पन्ने कम, मतलब 60 के आसपास पन्ने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने एमआरपी देख लिया बुक्स का। अब दोस्तों मैं एक आपको ऑडियो सुनाता हूं, जो पब्लिशर से मैं बात किया, जो यहां बोकारो का ऑथराइज डीलर है आपका, किसका, तो ब्लैक स्पाइन पब्लिकेशन का, ये आप देख पा रहे हो आपके सामने स्क्रीन पे ब्लैक स्पाइन पब्लिकेशन। दोस्तों पब्लिकेशन वाले इतनी बड़ी धांधली करते हैं, कितनी बड़ी धांधली करते हैं, उन लोगों को बच्चों के पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, उन लोगों को सिर्फ क्या है कि कैसे हम अपने जो दुकानदार वाले हो उसको बेनिफिट दे। दोस्तों देख लिया अपना प्राइस, तो लगभग मुझे 6 बुक मैंने लिया, लगभग मुझे दोस्तों मैं बता रहा हूं कि मुझे 660 रुपये एमआरपी टोटल पड़ा, और उसमें 10 रुपया मात्र छोड़ा और 650 रुपये मुझे देना पड़ा। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों मैं पब्लिकर से जो यहां पर डीलर है इस ब्लैक स्पाइन का, उससे मैं बात किया और उसे बोला, मैं उसको लुभावना दिया किस तरह से कि मैं ज्यादा बुक लूंगा तो आप कितने मतलब डिस्काउंट पे दोगे, तो दोस्तों वो बोला मुझे कि 40% डिस्काउंट मिनिमम, अगर आप मिनिमम बुक लोगे, लेकिन आप अगर मुझसे कंसिडर करोगे और थोड़ा सा ज्यादा तो हो सकता है कि आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सोच लो कि दुकान वाले कितने कमाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मैं फिलहाल तो आपको ये वीडियो ऑडियो सुना दे रहा हूं, आप लोग सुन लो ऑडियो। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों ऑडियो, सुन लो आप लोग। हेलो हेलो, हाँ कौन आप, रंजीत जी बोल रहे हैं ना? हाँ, वो ब्लैक स्पाइन से हमको आपका नंबर मिला। बताइए कौन बोल रहे हैं? हम प्रताप बोल रहे हैं, जैना मोड़ से। कहाँ से? जैना मोड़ से, जैना मोड़। कौन बोल रहे हैं जैना मोड़ से? जैना मोड़ से प्रताप बोल रहे हैं, प्रताप। बताइए, बोलिए। वो हम लोग यहाँ पर बच्चा लोग का स्कूल एक खोले हुए हैं। ठीक है, अच्छा। तो आप लोग का मतलब हम बुक हम देखे हुए हैं, तो बुक तो बुक के वही स्कूल। हाँ, क्या किस नाम से है स्कूल? स्कूल यहाँ से आयुष, आयुष विद्यालय करके है। अच्छा, ठीक है। तो बुक वगैरह मतलब प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, कितना बच्चा है अभी? तो सर मतलब स्टार्टिंग में मतलब हम मतलब चाहते हैं कि आपसे एक स्टॉक में हम ले ले, और फिर जैसे जरूरत पड़ेगा फिर स्टॉक लेंगे इस तरह से। जैसे अभी मतलब हम 500 बुक लेंगे। अच्छा, जैसे हिंदी का बोल रहे हैं, आपके यहाँ कितना बच्चा है अभी? है बच्चा तो सर बढ़ते जाएगा, अभी तो लगभग मतलब 57-58 बच्चा अभी है। अच्छा, ठीक है। तो कौन कौन क्लास, कौन कितना क्लास है, कितना क्लास का बच्चा है अभी? मतलब बच्चा लोग का वही है, यूकेजी आपका, यूकेजी तक है। अच्छा, तो अभी मतलब नर्सरी, प्री नर्सरी और यूकेजी का। ठीक है, अच्छा, यही 3 क्लास का, अभी यही 3 क्लास में बच्चा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। और अभी जैसे और जमीन मतलब और एक्स्ट्रा जमीन हम लोग लिए हुए हैं, तो उसमें भी अब ऊपर क्लास का 5 तक हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा। तो ये बुक्स तो हम नेक्स्ट सेशन के लिए आपको चाहिए ना, किस बार के लिए चाहिए ना? ये मतलब ये नर्सरी बच्चा लोगों को तो मतलब कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। अभी स्टॉक हम लेना चाहते हैं मतलब वही करीबन 500 का, तो रहेगा तो मेरा अगला साल भी चलेगा, समझे? अच्छा, ठीक है।
तो क्या आपका क्या आप कितना परसेंट हमको देना पड़ेगा ये बता सकते हैं अगर तो? आपको कैसा सेट कितना कौन कौन चीज का चाहिए ये बताइए। जैसे हिंदी हो गया आपका, हिंदी सुलेख करके है ना? हाँ। एगो हिंदी वाला हो गया, एगो काउंटिंग वाला हो गया, और आपका फिर एगो जो अभ्यास पुष्टि का है करके है वो तो खैर हो गया, और आपका इंग्लिश वाला जो काउंटिंग वाला हो गया, ABCD वाला हो गया, कलर वाला हो गया, ये आपका हो गया प्री नर्सरी का 5 गो, और उसके बाद फिर नर्सरी का इस तरह से। आपको जो जो किताब चाहिए ना, हाँ, और जितना जितना पीस चाहिए वो लिख करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पर। अच्छा अच्छा, और पेमेंट वगैरह कैसे देना होगा? पेमेंट तो आपको जो भी डिस्काउंट हम बताएंगे उसका आपको पेमेंट देना होगा। अच्छा हाँ, और चेक पे दीजिए या कैश दीजिए, जैसे दीजिए जो सुविधा आपका। चेक कैश अकाउंट ट्रांसफर भी कर लेते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो जैसे मतलब हम बुक ऑर्डर करना 500 के आसपास में एक से, जैसे हम हिंदी सीरीज वाला जो है हिंदी अभ्यास पुस्तिका है, हिंदी सुलेख वाला, ये 500 ऑर्डर करते हैं, ठीक है? तो क्या इसमें कितना परसेंट हमको मिलेगा डिस्काउंट? आपको इसमें 40% मिल जाएगा। 40% डिस्काउंट मिल जाएगा? हाँ। 40 के साथ थोड़ा और ज्यादा भी हो सकता है ना? हाँ, मतलब 40 ही पड़ेगा कि और थोड़ा मिलेगा? अच्छा, आप देखिए ना, पहले आप व्हाट्सएप तो कीजिए कौन कौन किताब कितना चाहिए, तो हम देख लेते हैं उस हिसाब से, देखते हैं अगर और कुछ समय लेके होगा तो। अच्छा, मतलब मिनिमम 40 का आपको है ना, उसके बाद माने 40 तो आपको 100% मिलेगा, और हम बात कर लेते हैं और कहाँ तक अगर हो पाएगा, पहले क्वांटिटी पर निर्भर करता है कितना आपको चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टर सर है, उससे हम बात कर लेते हैं, ठीक है? और आपको हम फिर फोन करते हैं, ठीक है? चलिए, हाँ, हाँ आप बात कर लीजिए अपना स्कूल में। हाँ हाँ, ठीक है, और फिर जैसा आए आप बताइए। हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, हम फोन कर। तो दोस्तों आपने ऑडियो सुना, इसमें आप पूरा पूरे क्लियर है दोस्तों कि दुकान वाले, पब्लिशर और स्कूल वाले तीनों के साथ गांठ चलती है। स्कूल वाले क्या है दोस्तों, वो बोलेंगे कि आप उसी पब्लिकेशन का लाओ, अगर मैं इस पब्लिकेशन का बुक नहीं लू, पार्टिकुलर दुकान वाले स्कूल वाले मुझे बोला कि आप उसी दुकान से लो, ठीक है, अगर मैं दूसरे दुकान से लू तो उसका कमीशन स्कूल वालों को नहीं मिलेगा। इसमें दोस्तों पूरी धांधली मैं बता रहा हूं क्या है, देखिए आपको समझा रहा हूं। जैसे 100 रुपया का MRP है मात्र बुक में, तो पब्लिकेशन दोस्तों डीलर को दिया 60% का डिस्काउंट, जो ऑथोराइज डीलर है उसको, एजेंट है जिसको, उसको 60% पे दिया। एजेंट क्या करता है, वो सीधे 10% का अपना कमीशन रखता है, और रिटेलर दुकान वालों को 50% डिस्काउंट पे दे देता है, ठीक है दोस्तों? और लेकिन दुकान वाले को होना चाहिए कि 10% या 20% रखना चाहिए। अभी दोस्तों आप कंपटीशन का बुक खरीदने जाओ, जो मैं पढ़ाता हूं दोस्तों, आप बुक यहां पर सेक्टर 4 में बुक्स है, बहुत सारे बुक दुकान है, आपका यूनिक बुक है, मैं उसका नाम ले रहा हूं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसका नाम लेकर प्रचार कर रहा हूं दोस्तों, मैं वहां से पर्सनली बहुत सारा बुक लिया हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने भी लेता था, वहां दोस्तों 40-50% डिस्काउंट मुझे मिलता था, और अच्छा अच्छा पब्लिकेशन का बुक, ऐसा नहीं है कि कोई लोकल ऑथर सिर्फ। और ये दोस्तों ये है जो ये भी, ये लोग भी क्या है, ब्लैक स्पाइन क्या है पब्लिकेशन, ये दिल्ली का है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर आप देखोगे, इसका एड्रेस मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो एड्रेस है दोस्तों, आप अगर देख पा रहे हो, हेड ऑफिस B143 ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 6 नोएडा। तो दोस्तों इसका नोएडा है, और आपका फिर रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, तो मयूर बिहार फेज दिल्ली, ये दोस्तों इसका रजिस्टर नंबर है, और ये इसका फोन नंबर बता दो 9810228588, ठीक है दोस्तों? तो ये इसका फोन नंबर है, मैंने उससे बात किया, वो बोले कि आप मेरे एक एजेंट है बोकारो में, तो आप उनसे बात कर लो, ठीक है? और मैं उनसे बात किया, आप लोग इसका अंश सुन लिए, और आप लोग समझ गए कि कितनी बड़ी धांधली चल रही है। तो दोस्तों आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो, और जब भी बुक खरीदने जाओ आप लोग पक्का GST बिल दुकान से मांगो, ठीक है दोस्तों?
मैं तो बोलने गया तो बोला कि मेरे पास जीएसटी बुक जीएसटी बिल है ही नहीं, अभी मैंने प्रिंट कराने दिया है। ये दोस्तों ये बहाना था, ठीक है बोल। और मुझे मजबूरी में लेना था क्योंकि जो आपका स्कूल वाले हैं, बच्चे वाले स्कूल वाले, वो लगातार फोर्स कर रहे थे कि हमको फ्राइडे को चाहिए ही चाहिए बुक, नहीं तो फिर अपने बच्चे को आप दूसरे स्कूल में नाम लिखा लो। ये कंडीशन था दोस्तों, बहुत ही बुरा सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम। कैसे इंडिया आगे पढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा दोस्तों? प्रधानमंत्री जी आप बता दो मुझे, इतनी बड़ी धांधली आपके सामने हो रहा है प्रधानमंत्री जी, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्यों आप बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा दोस्तों? मेरी स्थिति ठीक है, मैंने खरीद लिया 600 रुपए का बुक। अब जरा दोस्तों सोचो कि वो मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ेगा जिसका एक दिन का हाजिरी 300 रुपया है। अगर वो एक बुक खरीदने जाता है बच्चा का बुक, उसको दो दिन भूखे रहना पड़ेगा दोस्तों, कैसे हो सकता है? कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे पढ़ेगा दिन? तो आदरणीय शिक्षा मंत्री जी और मोदी जी, प्लीज इस वीडियो को अगर आप लोग, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहुंचाए, अगर आप देख रहे हो या कोई संसद या कोई देख रहा हो तो प्लीज इसके खिलाफ आवाज उठाइए। और आप लोग जनता सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब भी आप लोग बुक खरीदो जीएसटी बिल का डिमांड करो, तभी इसकी नकेल कसेगी, ठीक है? तो दोस्तों यही था वीडियो, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और इस तरह की सोशलिस्टिक वीडियो, और मैं ब्लॉगिंग भी करता हूं, आप लोग जानते हो बोकारो के बहुत सारे प्लेसेस मैं दिखा चुका हूं, और एलईडी बल्ब की कितनी बड़ी धांधली है, कितने परेशान करते हैं, वो भी मैं दिखा चुका हूं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालू आप लोग को मिल जाए, ठीक है दोस्तों? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।